बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोज वृद्धि हो रही है और प्रवासी बिहारियों के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ कुव्यवस्था का ये आलम है कि बिहार सरकार उन्हें भोजन और पेयजल की व्यवस्था तो नहीं कर पा रही है, पुलिस के लाठी डंडे जरूर उन्हें खाने को मिल रहे हैं। अगर अपने ही राज्य में अपने ही प्रवासी मजदूरों को भोजन मांगने पर पुलिस लाठियां मारती है, बांका के समूहगंज में हाथ तोड़ दिया पुलिस के डंडे ने, और मुख्यमंत्री जी लंबे लंबे दावे करते हैं, अपने अधिकारियों से रोज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, पहले अपने मंत्रियों से भी किया, कल उन्होंने अपने भाजपा के विधायकों से भी किया, इससे पहले जेडीयू के विधायकों से किया, जेडीयू के नेताओं से फीडबैक लिया। कांग्रेस का सवाल है कि मुख्यमंत्री जी आप राजधर्म का पालन करिए, आप सिर्फ अपने अधीनस्थ जो आपके विश्वसनीय अधिकारी हैं आप उनसे फीडबैक ले रहे हैं, आप अपने पार्टी के विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, आप अपने सहयोगी भाजपा के भी विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की संख्या 106 है बिहार विधानसभा में, आप इनसे फीडबैक नहीं ले रहे। आपके और भाजपा के विधायकों की संख्या 122 है तो कांग्रेस और आरजेडी की विधायकों की संख्या 106, ये एक बड़ी संख्या है लोकतंत्र में, लेकिन आपने अभी तक ये मुनासिब नहीं समझा कि हम कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों से उनकी राय जानें, उनकी सहभागिता को समझने का प्रयास करें, और यही वजह है कि आपको सच्चाई सामने नहीं आ पा रही। पूरे राज्य में कुव्यवस्था है प्रवासियों को लाने को लेकर, प्रवासियों को लाने के बाद की स्थिति को लेकर, लेकिन आप प्रसन्न हैं, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मेरा सीधा आरोप है आप राजधर्म का पालन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर रहे, आप एनडीए के नेता के तौर पे काम कर रहे हैं, आप जेडीयू के नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में काम करते होते तो आप विपक्ष के विधायकों से भी राय लिए होते और आपको स्थिति भिन्न नजर आती। जो गड़बड़ियां हो रही हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, खाने पीने को लेकर लोगों को सोने के इंतजाम नहीं है, शौचालय के इंतजाम नहीं है, यह परिस्थिति साबित करती है कि वहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। और क्या यही एक वजह तो नहीं कि आपने वहां पत्रकारों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी? तो लोकतंत्र में अगर कोई सत्ता में बैठा आदमी, सत्ता में बैठे लोग विपक्ष की बात न सुने और मीडिया पर पाबंदी लगा दे तो समझ लेना चाहिए कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अतः मुख्यमंत्री जी राजधर्म का पालन करिए, विपक्ष के विधायकों से भी राय लीजिए और मीडिया पर लगे पाबंद को खत्म करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अधिकारियों ने जो आपको फीडबैक दी है और आपके विधायकों ने जो आपको फीडबैक दी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके अधीनस्थ लोग तो आपको वही कहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। आप महामारी के समय कम से कम राजनीति न करिए, मुख्यमंत्री के तौर पे काम करिए तो बिहार के लोगों का भी भला होगा और इस महामारी से लड़ने में कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी और हम कोरोना के संक्रमण से अपने लोगों को भी बचा पाएंगे और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने में सफल हो सकेंगे। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, पिछले 3 सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि आपका फूड सप्लाई मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि हमने केंद्र को भेजा है 16 लाख लोगों के इलाज देने के लिए, और रामविलास पासवान जी केंद्र के मंत्री जो बिहार के ही हैं वो कह रहे हैं नहीं हम एक दाना अनाज नहीं देंगे, आप हमको नाम बताइए किन के लिए आपको अनाज चाहिए। यह क्या स्थिति है मुख्यमंत्री जी? और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं, या तो आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या केंद्र के मंत्री को आपके मंत्री के द्वारा दिए गए लिस्ट पर कोई भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि कहीं ये अनाज भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। लेकिन जो भी स्थिति हो मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं कि रामविलास पासवान जी के परिवार के 4 व्यक्तियों को बिहार की जनता ने पार्लियामेंट में भेज कर रखा है आज से नहीं कई सालों से, उसके बावजूद भी अनाज और राशन देने में वो आनाकानी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है,
एनडीए में कैसे कैसे लोग चुनकर गए हैं और कैसे कैसे लोग पदों पर बैठे हैं। बिहार की जनता के क्रोध से डरिए, उन्हें इस कष्ट में, अभाव में, जब परेशानी में हैं, उन्हें राहत देने का काम करिए, राजनीति मत करिए।